मणिकर्णिका के लिए डायरेक्टर बन गई कंगना रनौत। कंगना रनौत स्टारर मणिकर्णिका की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब पैचवर्क का काम चल रहा है। फिल्म के डायरेक्टर क्रिश जगरला मुदी एनटीआर की बायोपिक बनाने में बिजी हो गए हैं। ऐसे में पैचवर्क के डायरेक्शन और कास्ट की जिम्मेदारी संभाली है फिल्म की स्टार कंगना रनौत ने। कंगना खुद एक डायरेक्टर के तौर पर अपने सीन्स का निर्देशन कर रहे हैं। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा पैचवर्क बचा है, लेकिन क्रिश एनटीआर की बायोपिक में बिजी हो गए हैं। उनकी गलती नहीं है क्योंकि मणिकर्णिका एक बायोपिक है और ऐसी फिल्मों को बनाने में वक्त लगता है। कंगना तकरीबन रोज डायरेक्टर क्रिश से फोन पर बात करती हैं ताकि निर्देशन से जुड़ी चीजें साफ हो सके। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। मणिकर्णिका का प्रोडक्शन कमल जैन और जी स्टूडियो मिलकर कर रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या भी नजर आएंगे। बॉलीवुड में निहार की ये डेब्यू फिल्म होगी। फिल्म में उनका किरदार बाजीराव सेकंड का होगा। फिल्म में एक्टर सोनू सूद और टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे।